सो हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माई चैनल द वाइल्ड किड 07। तो कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया ही हो गया और बढ़िया ही रहना भाई लोगों। एंड आज है संडे और अब निकले हैं हम। अभी हम हैं रायपुर रोड पे। एक्चुअली व्लॉग हमने यहीं से शुरू किया क्योंकि घर वाली रोड तो सबको पता ही है, जो मैंने पुराने व्लॉग्स में डाली है। तो हमने कहा यार व्लॉग थोड़ा छोटा होना चाहिए। सो आज हम व्लॉग शुरू कर रहे हैं अपना रायपुर से और हमें जाने का प्लान बना है इथारना। इथारना टेम्पल बेसिकली एक मंदिर है, बहुत हाइट में बना हुआ है एंड वो पड़ता है थानो से। हमें जाना पड़ेगा रानी पोखरी, रानी पोखरी से हमें लेना है। मुझे रास्ता भी पूरा ढंग से पता नहीं है क्योंकि मैं एक ही बार गया हूँ और एक बार भी कब गया वो भी हो गए 3 साल, तो रास्ता मुझे भी ढंग से याद नहीं है। तो देखते हैं। और आज हमारे साथ राइड पे है आशु भाई। आशु भाई अभी पीछे पता नहीं क्या कर रहे हैं, बड़ा धीरे धीरे आ रहे हैं। अब देखो इसको इतनी जल्दी बुलाता हूँ आगे और ये भगाएगा। 1 2 3 को आ गया आशु हमारे आगे एंड चल दिए हम वापस अपनी मंजिल की तरफ। आ जा। और गाइस अभी हम हैं रायपुर स्टेडियम वाली रोड पे और हमारा आगे ही है स्टेडियम एंड RS 200 पे कपल जा रहे हैं। वेरी नाइस। और हम अकेले अकेले कोई बात नहीं, प्रॉब्लम, मजा आ रहा है हमें अकेले में ही। ओहो हरियाली और ये पहाड़ इज इक्वल टू हैप्पीनेस। अब यहाँ से हम ओवरटेक नहीं कर सकते, आगे से आ रही है बस और कार वाला ओवरटेक करेगा। आई नो होए 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 मजे डाल। होए 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 पूरी पावर। ट्रैफिक तो नहीं है बट यार गाइस जो बात है जगह। और यार गाइस जब मैं व्लॉग डालूंगा, अरे देख ये लौंडे यार क्या ट्रिपलिंग में ओवरटेक कर रहा है रॉन्ग साइड से। भाई ऐसे ऐसे लोग हैं यहाँ पे, KTM का नाम इन्होंने बदनाम करा हुआ है पूरा, हद होगी यार। मतलब क्या कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक लोग दिख रहे हैं भाई आज तो। इन आंटियों को कार देता कौन है ये तो सीधा बोल दे कि आदमी को मारना चाहिए, हद होगी यार। मतलब भयंकर चलाने की तमीज नहीं गाड़ी के आगे, तुम ओवरटेक मार रहे हो रॉन्ग साइड से। हाँ यार
चुके हैं थानों के जंगल में, वेट हो रहा है अभी जुनैद का, अभी पता नहीं कहाँ रह गया भाई। हमें तो उसने बोला यहीं पे रुकना, और पीछे खड़ी हमारी बीस्ट, और हमारे साथ आज है आशु। और कैमरा में क्या दिखा रहा हूँ मैं, यो देखिए आशु मोटर व्लॉग्स। तो भाई को भी सपोर्ट करिए, प्यार दीजिए अपना, एंड बाकी इसकी फ़ैन फॉलोइंग तो भाई अलग है, सबको पता है। हमारी प्यारी व्हील जैक और आशु भाई। अरे आशु भैया, कैसा लग रहा है, ठंडा ठंडा है, गरम गरम? बहुत ठंडा। तो कहाँ जा रहे हैं आशु भाई आज? हम जा रहे हैं भाई, कौन सी जगह थी? थारना। और मुझे रूट नहीं पता, साफ बात है, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। हो गए जरूर डेस्टिनेशन पे, अगर हम भटक गए तो भाई आशु की गलती होगी, अगर पहुँच गए तो मेरा, क्या कहते हैं, मेरे वजह से पहुँचेंगे, अगर नहीं पहुँचे तो आशु की वजह से नहीं पहुँचेंगे। तो करते हैं राइड को शुरू, अभी वेट हो रहा है जुनैद भाई जी का, पता नहीं कहाँ चले गए, कहाँ रहेगा आई डोंट नो, यहाँ पे सिग्नल भी नहीं आ रहे। सो करते हैं थोड़ा सा वेट। सो भाई हंगामा कर चुके हैं यहाँ के सारे लड़के हमारे। ओए होए होए, खुशबू देखो, और बाकी तो सारे गए। ओहो आज गिरे? अबे यार भाई आज गिर गया यार नरेंद्र नगर में, ज्यादा लगी क्या? ऊपर से विली भी मार रहे हैं। अरे यार कोई बात नहीं, लगती रहे इतनी, चलो आराम से चला भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अबे गिर गया है यार भाई, दो भाई गिरी दोनों, कौन 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 कौन, चलो ओके मिलते हैं फिर तेरे से। सो भाई लोगों राइड होने वाली है कंटिन्यू, और मुझे गिराता अभी इसका टायर, अय्या। तो आशु भाई थोड़ी देर के लिए बैग पहन लो यार, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। सो कर रहे राइड कंटिन्यू, और हमारे साथ एक और भाई जुड़े हैं R15V3 के साथ। तो भाई आपका नाम? नव। ओके भाई तो आने वाला है मजा, इधर भी देखो राइड करें कंटिन्यू, चलो रास्ता पता है तुम्हें? हाँ यहाँ से तो तुम आगे चलो। सो भाई यहाँ के लोकल है, हाँ तो भाई को बोल रहा मैं, आप आगे चलो। चले फिर। सो और मैं करूँगा भाई को चेस। हाय हाय क्या लाउड नॉइज है, हमारी हर वीडियो में एक लाउड बाइक आ जरूर रही है भाई, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और होय 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 होय, पूरा पूरा एंड आ गई ऑफ रोडिंग का मजा लेने हम आ चुके हैं पूरा। ओहो तो आगे रास्ता बंद है, इथारना जाने वाले वाहन बागी नाम माँ कोट से जाए। सो यहाँ थोड़ा सा मूड खराब हो गया है, अबे यार इतना दूर तक आए और यहाँ पे रास्ता बंद है। सो गाइस हो गया एक और बकैती, हम आए तो थे बट यहाँ वाला रास्ता निकला बंद, अब थोड़ा लॉन्ग रूट से जाना पड़ेगा आई गेस। फोटो स्टेट एंड ये रूट भी नहीं हो सकता ये भैया, इथारना का रास्ता, इथारना का रास्ता कहाँ से, ये है ना? ओके सो रास्ता बताया तो है लोगों ने बट अभी पता नहीं है कौन सा कहाँ निकलेगा ये, मैं ही बहुत पहले आया था यार तो मुझे रास्ता याद नहीं है। ओफो
थोड़ी बढ़िया मिलेगी, बहुत तगड़ा ही प्लान खराब हो गया यार, मूड भी खराब है अब तो। सो भाई क्या करा जाए? सो भाई लोगों, ऑफ रोडिंग हर चारों तरफ हमारा ऐसा ऑफ रोड हो रहा है ना इस टाइम, सोचा नहीं था इतनी ऑफ रोडिंग करनी पड़ेगी। क्यों आशु? यस, हालत खराब हो गई। तो गाइज हमें बहुत दुख हो रहा है यार, यहीं से वापस जाना पड़ रहा है भाई। जाने का प्लान पूरा था यार, बट क्या बताए, अब रोड ऐसी है और हमारी बाइक का आगे वाला टायर थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है, तो हम ऊपर जा नहीं पाए आज। और यार रोड ऐसी हो रखी है, और देखिए आप रोड का हाल, पूरी ऑफ रोडिंग है यार, और समझ सकते हैं आप क्या हालत हो रही होगी हमारी। तो गाइस नीचे मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद, और यहाँ से वापस जाते हुए करते हैं अपना कैमरा ऑन, तो मिलते सीधा बाइक पे, स्टे ट्यून। तो भाई लोगों पहुंच चुके हैं नीचे, एंड सामने खड़ा है हमारे साथ जुन्नू, और ऊपर जा नहीं पाए यार बिकॉज रोड बहुत ज़्यादा ख़राब थी। एंड अब निकल रहे हैं हम भाने वाले के रास्ते से अपने घर, क्योंकि वाली रोड भी ज़्यादा खास नहीं थी और वहाँ पे ज़्यादा कीचड़ वगैरह था और चारकोल बिछा हुआ था हर जगह। तो हमने कहा यार मेन रोड से जाते हैं अब सीधा, और यहाँ से निकलेंगे नीचे जाके जॉली ग्रांड से अंदर ही अंदर थानों, और वहाँ से अपने घर, क्योंकि इतना ही पड़ना है यार, थोड़ा बहुत लंबा पड़ेगा कोई बात नहीं, बट इस टाइम पे रिस्क लेने का बिल्कुल मन नहीं है, तो थोड़ा लॉन्ग चलते हैं। एंड सामने चल रहा है 390 बाइकर्स, फ्लैश लाइट जला दिया, दिल पे फिर पत्थर रखना पड़ेगा। हो और बाकी भाग गए आगे चलो। गाइस हो गया सबका मूड खराब क्योंकि हम जा नहीं पाए ऊपर, बट कोई बात नहीं भाई लोगों, इतना हमने ट्रैवल किया एंड हमारे भाई लोग मिले हमें आते हुए, वो भी अपनी राइड करके आ रहे थे, तो अच्छा लगा ये चीज़। हाँ क्या यार, ये क्या था? अबे यार पहुंच चुके हैं भाने ये जॉली ग्रांड वाले रोड पे, एंड राइड यहीं तक थी आज की, और ये रहा भाई 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 भाई, भाई। बताओ क्या बोलना चाहोगे गाइस? अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एक प्यारा सा कमेंट करके बता देना भाई को कि भाई आपका भाई कैसा लग रहा है, यही बता देना। और भाई का चैनल को सब्सक्राइब करो, दबा के सब्सक्राइब करो और मेरा चैनल भी। मिलते हैं अगली वीडियो में, इसका चैनल देख लो, कोई बात नहीं, मैं कुछ नहीं बोल नो भाई। और आज पहली बार गए हैं भाई के साथ राइड पे और बहुत मज़ा आया भाई, सीरियसली हमारा डेस्टिनेशन पूरी नहीं हुई बट मज़ा बहुत आया, लेकिन भाई का मूड जरूर खराब होगा, पक्का खराब होगा मूड। भाई का मूड खराब हुआ है क्योंकि हमने भाई की बात नहीं मानी। पहले ही समझाया था, मेरे का मत जाना, वो बीच में ही रुका है। ओए होए चलो कोई बात नहीं, सो गाइस आपसे अगली ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, राइड सेफ एंड स्टे सेफ।